नहीं, माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुठ्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो आप ये नहीं मानते कि तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी कैटेगरी में बांट रहे हैं आप, या तमाम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत करा यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के लिए, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे